मतलब जब आपको आना ही था तो आप मेरे को पहले नहीं बता सकते थे? मैं आपका इतनी देर से यहाँ खड़ा होकर वेट कर रहा हूँ। हाँ यार, पहले तो ना मेरा प्लान था आने का, पर पापा का फोन आया एकदम से और बोले कि मेरे साथ चल। आपके पापा का ना हमेशा ही ऐसा कुछ रहता है। मतलब? मतलब ये कि तुम्हें ना हमेशा मेरा मूड खराब करना आता है, और अब मैं फोन काट रहा हूँ, बाय। इतना गुस्सा ना इस चेहरे पे अच्छा नहीं लगता। आप और यहाँ, अभी तो आपने कहा आपने कहीं और जाना है। हाँ तो यार, बस मैं तुम्हारी फिरकी ले रही थी। फिरकी ले रही थी? अरे मेरा मतलब है मैं तुम्हारे मजे ले रही थी। मुझे ना तुम्हारा ऐसे गुस्से वाला फेस देख के ना बड़ा मजा आता है। अरे आपको मेरा मूड खराब करके मिलता गया है? अरे यार, 2 मिनट के लिए मूड मैं खराब करती हूँ तो ठीक भी तो मैं ही करती हूँ ना। हाँ ये तो है, लेकिन किसी दिन ऐसे मैं मजे लूंगा ना, फिर पता चलेगा आपको। हाँ ये तो है, पर मैं तुम्हारी तरह ना भड़क नहीं जाऊंगी। तुम्हारा मेरा भड़कना भड़काना हो गया हो तो चलें, मूवी स्टार्ट होने में सिर्फ 10 मिनट रह रहे हैं। वो आंखें कहती है बैठे तू मेरे रूबरू, तुझको देखूं इबादत करता रहूं तेरे सजदों में धड़के, दिल ये मेरा मेरी सांसों में चलता है बस एक तू। इश्क दा रंग तेरे मुखड़े ते छाया, जदू दा मैं तकिया आए चैन नी आए। तुझको बना लूं मैं अपना खुदा, सजदे तेरे कर सकूं, मांगूं दुआ साथ होने की तेरे कांधे पे सर रख सकूं। और बताओ आज की मूवी में क्या नोटिस किया तुमने? मैंने ये नोटिस किया जो आज की मूवी में एक्ट्रेस थी कति एक नंबर की थी। अच्छा, और लड़कियां तो तुम्हें बहुत एक नंबर की लगती है, और मैं, मेरी तो कभी तारीफ नहीं करते। अरे मानता हूँ वो एक नंबर की थी, लेकिन आप भी कति कंचा पीस हो, कति कंचा पीस। हाँ, मक्खन लगाना तो कोई तुमसे सीखे। छोड़ो, और बताओ क्या नोटिस किया तुमने मूवी में? और कुछ खास नोटिस नहीं किया, ठीक ठाक था जो था। तुमने ये नोटिस नहीं किया जैसे मूवी में वो दोनों लड़ रहे थे, हम भी लड़ते हैं कभी कभार? हाँ लड़ रहे थे, लेकिन वो उनकी रियल लाइफ स्टोरी है और हमारी रियल लाइफ। हाँ ये तो है, लेकिन जैसे मूवी में लड़की लड़के को छोड़ के चली जाती है, आप मेरे को छोड़ के मत चले जाना। भला जीते जी दिल ने धड़कना छोड़ा है जो मैं तुम्हें छोड़ूंगी? बस यही बातें हमारे रिश्ते को और मजबूत कर देती है। रिश्ता तभी मजबूत होता है जब निभाने वाले सच्चे हों। चलो ठीक है, मैं चलती हूँ, मम्मी का फोन आना स्टार्ट हो जाएगा। हाँ ठीक है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, इसी बहाने अपनी होने वाली सासू माँ से ही मिलता जाऊंगा। जी शुक्रिया, ये मिलना मिला ना बाद में होगा जब हम दोनों के घर वालों को पता होगा हमारे बारे में। मैं चलती हूँ। आज फिर कुछ बोल रहे हो ना? कागज पे दिल के तेरी सूरत बना लो, छूटे कभी ना वो आदत बना लो, आशिकत बना लो तुझे, किस्मत बना लो मेरी। अरे यार मेरे को अच्छे याद है, मैंने आपको दी थी। अरे मेरे को दी होती सिम तो मेरी पॉकेट में ही होती ना, आप कहीं और रख के भूल गए हो। अरे नहीं यार, मेरे को अच्छे से याद है जब हम अंदर आइसक्रीम खा रहे थे तो मैंने आपको पकड़ाई थी, घर से तो मैं लाया ही था। अरे भाई फिर भी आप एक बार घर पे चेक कर लेना। अरे यार मेरे को अच्छे से याद है, मैं घर से सिम कार्ड लाया भी था और मैंने इसको दी भी थी। गगन तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरे पास होती तो मैं तुम्हें दे देती ना, छोटी बच्ची तो हूँ नहीं जो मैं कहीं पे भी गिरा दूंगी। हाँ यार बच्ची नहीं हो, लेकिन आपकी आधे ज्यादा बार हरकतें बच्चों वाली होती हैं, कुछ चीज संभालने के लिए दे दो वो आपसे संभलती नहीं है, हमेशा ऐसी तैसी कर देते हो चीज की। अरे ये क्या सीन था? मतलब क्या हुआ, ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है तू? क्या हुआ, तेरा बॉयफ्रेंड तेरे से इतने गुस्से में बात कर रहा था और तू कह रही क्या हुआ? अरे ये तो इसका 5-7 मिनट का गुस्सा है, जितना इसका गुस्सा है ना उससे कहीं ऊपर इसका प्यार है। हाँ तेरी बात भी ठीक है, लेकिन आसपास भी देख के बात करनी चाहिए ना, आज मेरे सामने ऐसे बात की है कल वो किसी और के सामने करेगा। कोई नहीं, मैं शाम को मिलके ना गगन से इस बारे में बात करूंगी। अच्छा अच्छा गगन, मैं ना ये कह रही थी तुम ना अपना थोड़ा गुस्सा कंट्रोल किया करो। 10 दिन में एक आधी बार तो गुस्सा आता है, रोज थोड़ी करता हूँ। हाँ लेकिन ऐसे मेरे को थोड़ा अच्छा फील नहीं होता।
अच्छा, जो गुस्से के बाद मेरा प्यार होता है वो कैसा लगता है फिर? हाँ मानती हूँ तुम प्यार भी करते हो, पर किसी के सामने ऐसे गुस्सा मत किया करो। किसी के सामने मतलब? जैसे आज सुबह हम दोनों लड़ रहे थे मेरे फ्रेंड के सामने, उसने मुझे बाद में बोला और मुझे बहुत बुरा फील हुआ। तो यार अब तीसरा बंदा हमारे रिश्ते को जज करेगा क्या? नहीं, लेकिन फिर भी। वैसे ना ऐसा कई बार हुआ है, आप हमेशा किसी तीसरे बंदे को हमारे रिश्ते के बीच में ले आते हो। तो तुम हमेशा करते भी तो गलत हो। अच्छा तो मैं अब आपको गलत भी लगने लग गया। खैर ये सब छोड़ो, मेरे को एक बात बताओ, जब भी हमारी कोई बात होती है तो मैं अगले दिन उस बात को उठाता हूँ? नहीं उठाते, लेकिन। लेकिन क्या यार, मैं काफी टाइम से नोटिस कर रहा हूँ आप ना मेरे से काफी इरिटेट होने लग गए हो। मैं भी ऐसे कब तक सहन करूंगी सब बातें? अच्छा तो ये बात है, हम एक रिश्ता नहीं निभा रहे बल्कि एक दूसरे को सहन कर रहे हैं। बहुत बढ़िया बात बोल दी। और अब मेरे को ऐसा लगता है हमें एक दूसरे को थोड़ा टाइम देना चाहिए ये सोचने के लिए कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने भी हैं या फिर नहीं। तुम मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, तुम्हें मेरे जाना कभी नहीं जाना, इश्क मेरा दर्द मेरा, आशिक तेरा। यार अभी ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? हेलो यार, मैं पिछले 4 दिन से आपको कॉल कर रहा हूँ लेकिन आप फोन नहीं उठा रहे मेरा। देखो गगन, मैंने हम दोनों के रिश्ते के बारे में ना बहुत सोचा, हम दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने, और अब ना मैं तुम्हारा नंबर ब्लॉक कर रही हूँ, आज से हम दोनों के रास्ते अलग हैं। जे मैं नहीं तेरे कोल ते फिर कौन होएगा, रू मेरी तड़पेगी जानी दिल भी रोएगा। रास्ते अलग हैं, सफर की शुरुआत करके लोग कितनी आसानी से कह देते हैं कि रास्ते अलग हैं। इश्क ना करना तेरी बेवफाई को भुला ना सकेंगे, चाहे भी तो कभी मुस्कुरा ना सकेंगे। इश्क ना करना इश्क ना कहना। अरे गगन, मैं तेरे को इतनी देर का ढूंढ रहा हूँ और तू यहाँ पे बैठा है, यार कर क्या रहा है तू? मैंने तेरे को इतने फोन कर लिए और तेरा फोन भी बंद जा रहा है। उस फोन का करता भी क्या, जिस फोन पे बात करने वाली ने मेरे को रास्ते से हटा दिया, और ये सब क्या कर रहा है तू? इश्क ना करना।
याद है तूने मेरे को एक दिन कहा था कि तेरी जिंदगी में एक लड़की के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और तू ये सब क्या कर रहा है? हाँ कहता था, लेकिन कहते हैं ना लोग आते हैं प्यार करना सिखाते हैं और फिर छोड़कर चले जाते हैं। आज वो प्यार साथ छोड़ गया जो जिंदगी भर साथ रहने का वादा करता था। आज के टाइम में सच्चा प्यार करने वालों के साथ यही होता है, और तेरा प्यार भी अधूरा ही रह गया। मेरे दोस्त, जो दो तरफा पूरा हो उसे प्यार कहते हैं, और जो एक तरफा रह जाए उसे आशिकी कहते हैं। लाडलो, मेरा प्यार चाहे अधूरा रह गया हो लेकिन मेरी आशिकी जरूर पूरी हुई है। छड़ी ना सजना सानू तेरा सहारा है। छड़ी ना सजना सानू तेरा सहारा है। असी जींदे आसरे तेरे हाना तेरे बिना गुजारा है। आज वीडियो को लाइक करने के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि वीडियो को बहुत ज्यादा दिल से लिखा था। अगर आपके दिल तक पहुंची है तो बस एक शेयर कर देना। थैंक यू। इश्क ना कहना, इश्क ना कहना, इश्क ना कहना।